5006 टीचर्स का एक ही साथ रात के 1:30 बजे ट्रांसफर कर दिया जाना, ये एक दुर्भावनापूर्ण निर्णय है। बच्चे को सजाने का काम टीचर करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी सरकार के अन्य कार्यों को करेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5000 शिक्षकों के तबादले पर विवाद गहराता जा रहा है। इसके लिए सत्तारूढ़ आप व भाजपा के नेता एक दूसरे को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सांसदों ने रविवार को इस संबंध में उपराज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और शिक्षकों के तबादले को रोकने की मांग की। वहीं मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार के पास कोई समुचित तबादला नीति ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तबादले की कोई तर्कपूर्ण नीति होनी चाहिए। इस तरीके से मनमाने ढंग से तबादला करने से किसी का भला नहीं होगा, इससे व्यवस्था चरमरा जाएगी और छात्रों को बहुत अहित होगा। इसलिए सरकार को तबादले के लिए कोई तर्कपूर्ण नीति बनानी चाहिए। वहीं मनोज तिवारी ने आगे क्या कुछ कहा, देखे वीडियो। जो आपको जानकारी अभी अरविंदर लवली ने दी है, हम 4-4 सांसद यहाँ उपस्थित है, बाकी किन्हीं कारणों से कहीं और हैं। सभी सांसद कि दिल्ली के 5006 टीचर्स का रात के 1:30 बजे ट्रांसफर कर दिया जाता है। 5006 टीचर्स का एक ही साथ रात के 1:30 बजे ट्रांसफर कर दिया जाना, ये एक दुर्भावनापूर्ण निर्णय है जिसका हमने विरोध किया है। और कई सारे टीचर्स हमारे घर पे, कोई कमलजीत सहरावत के घर पे, कोई रामवीर सिंह भिदौड़ी जी के घर पे, कोई योगेंद्र चांदोलिया जी के घर पे, कोई बांसुरी जी के घर पे, कोई हर्ष मल्होत्रा जी के घर पे, कोई अरविंदर लवली जी के घर पे, और तब हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। कई टीचर्स के प्रतिनिधि भी आए, उनके साथ हम लोग मिले, और हमारी यही मांग है कि ये जो ट्रांसफर हुआ है पहले इसको रोका जाए। और जैसा हमारे लवली भाई ने कहा, वो लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, एक कोई पॉलिसी होनी चाहिए ट्रांसफर की। कोई शिक्षक ठीक से नहीं काम किया, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। कोई टीचर बहुत अच्छा काम किया, उसके हिसाब से आप ट्रांसफर दे सकते हो। लेकिन आपके पास, दिल्ली सरकार के पास, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। वो कोई कभी तरह तरह की टीचर्स की जो बातें आएंगी, आप बात करिएगा कि वो टीचिंग के अलावा कई ऐसे काम करते हैं जो टीचर नहीं करते हैं। तो बच्चे को सजाने का काम टीचर करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी सरकार के अन्य कार्यों को करेंगे। ये सारी बातें आने के बाद एलजी महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि जो ये इसका लागू होना शायद कल ही से है, तो इस पे अब रोक लगाने की हमने बात किया है। उन्होंने सकारात्मक रूप दिखाया है, 1-2 घंटे में जो भी फैसला आएगा, और कोई एक कमेटी बनेगी जिससे लंबे समय तक इसका एक पॉलिसी बनाया जा सके।